मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 16 अक्टूबर को कटिहार के लक्ष्मीपुर में गंगा कोसी नदी के कटाव से विस्थापित लोगों के बीच पुनर्वास का पर्चा वितरित करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पूर्णिया के आईजी राकेश राठी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर कटिहार के लक्ष्मीपुर इलाके की है, जहां पूर्णिया के आईजी राकेश राठी, एसपी वैभव शर्मा समेत तमाम अधिकारी सीएम नीतीश कुमार के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान बरारी एमएलए विजय सिंह ने बताया कि ये पहला मौका है जब जिले में इतने बड़े पैमाने पर कटाव से विस्थापित सैकड़ों लोगों को पुनर्वास का पर्चा मिलेगा। देखिए, कार्यक्रम रखा गया आगामी 16 अक्टूबर यानी परसों ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन बरारी की धरती पर होने जा रहा है और बरारी की देवकुल जनता उनको बधाई देने, धन्यवाद देने, स्वागत करने के लिए व्याकुल है। और क्योंकि आज़ादी के बाद एक ऐसा काम इस विधानसभा में हुआ है आज तक कहीं नहीं, कभी नहीं हो पाया था। और विस्थापितों को माननीय मुख्यमंत्री जी स्थापित करने आ रहे हैं और काफ़ी जोर शोर से तैयारी देकर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भव्य पंडाल आज तक बरारी में नहीं लगा था। खासकर आप रोड को देखेंगे तो सभी को अच्छी तरह सजाया गया। बगल में एक पलटन पारा भी था, उसको दम दुल्हनिया की तरह सजाया गया, बनाया गया। बहुत से काम हुए हैं तो सब काम के लिए करके तैयारी जोर शोर पर है। जिला प्रशासन उनकी सुरक्षा रक्षा के लिए भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब चौकस है और सभी एनडीए के हमारे घटक दल के नेता, सभी हमारे पार्टी के लोग, सभी लोग तैयारी में जुटे हुए कि कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी आवे, कैसे हम उनको स्वागत करें, इसकी समीक्षा भी की जा रही है। बहरहाल विस्थापित लोगों को पुनर्वास का पर्चा देना सरकार का एक सराहनीय कार्य है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीते कुछ दिनों पहले जब पूरा बिहार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा था, लोगों की जान हलक में अटकी थी, तो ऐसे जानलेवा बाढ़ को रोकने के लिए सरकार मुकम्मल कदम क्यों नहीं उठाती, जिससे लाखों लोग बेघर होने के साथ उनकी खेती किसानी चौपट नहीं होती। खैर, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार बाढ़ कटाव को रोकने के लिए कोई कारगर कदम जरूर उठाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।